हाँ तो बच्चों आज अपन क्या है, फ्रेमेंटेशन है जो किण्वन है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो किण्वन होता है, किण्वन का मतलब ये है कि सूक्ष्म जीवों की सहायता से दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों की सहायता से दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना। बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु है, जैसे कवक है, जैसे हीस्ट है, तो सूक्ष्म जीवों की सहायता से दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं बनाई जाती हैं। दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं बनाई जाती हैं, इसको कहते हैं किण्वन। अब किण्वन कई प्रकार का होता है, जैसे अपन कहते हैं कि किण्वन एक प्रकार का अनौक्सी श्वसन है, तो किण्वन के कई प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है जिसका नाम है एल्कोहलिक किण्वन। एल्कोहलिक किण्वन है, ये दो चरणों में पूरा होगा। सबसे पहले तो वी कार्बोक्सिलीकरण होगा, यानी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, और दूसरा चरण होगा अपचय, यानी एल्कोहलिक किण्वन दो चरणों के अंदर पूरा होगा। अपने पास में ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद था पाइरुविक अम्ल। ठीक है, इस पाइरुविक अम्ल का दो चरणों के अंदर क्या होगा, किण्वन होगा और एथिल अल्कोहल बनेगा। अब अपन देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, ये जो पाइरुविक अम्ल है, इस पाइरुविक अम्ल का वी कार्बोक्सिलीकरण होता है। पाइरुविक अम्ल का कौन सा होगा, वी कार्बोक्सिलीकरण होगा, और इससे एसिड एल्डिहाइड बनेगा, एसिड एल्डिहाइड का निर्माण होगा, प्लस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। इस क्रिया के अंदर एक विशेष प्रकार का सूक्ष्म जीव काम आता है जिसका नाम है हिस्ट। जिसका नाम क्या है, हिस्ट। तो अपन देखते हैं कि भाई ये पाइरुविक अम्ल है, सबसे पहले इसका वी कार्बोक्सिलीकरण होगा। पाइरुविक वी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में इसमें एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम होता है पाइरुविक डी कार्बोक्सिलेज। पाइरुविक डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया होगी और एसिड एल्डिहाइड और CO2 बनेगा। अब ये जो एसिड एल्डिहाइड बना है, इस एसिड एल्डिहाइड का होगा अपचयन। एसिड एल्डिहाइड का अपचयन होता है, और जब एसिड एल्डिहाइड का अपचयन होगा तो बनेगा एथिल अल्कोहल। क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल। तो इस प्रकार ये क्रिया दो चरणों के अंदर होती है। इसमें NADH2 है, उसको खपत हो जाएगी, NADH2 की खपत होगी और NAD बनेगा। ये ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 बना था, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन इसके साथ क्रिया करेगा और एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। इसमें वही डीहाइड्रोजनेज एंजाइम काम आएगा, डीहाइड्रोजनेज। तो आपको पूछा जाता है कि एल्कोहलिक किण्वन समझाओ, तो एल्कोहलिक किण्वन आप बताओ कि ये क्रिया दो चरणों के अंदर संपन्न होती है। एल्कोहलिक किण्वन है, उसके बारे में जो हिस्ट कोशिका उससे जाइवेज एंजाइम प्रत्यक किया था बुकनर ने, ये भी आपको ध्यान रखना है कि हिस्ट कोशिका इसमें काम आती है। अब अपन देखते हैं, जैसे जव होता है, उस जव के पानी को थोड़े दिन रखते हैं, उसके अंदर से दारू की बदबू आनी शुरू होती है। गुड़ के पानी को अपन थोड़े दिन रखते हैं, उसमें दारू की बदबू आनी शुरू होती है। दारू क्या है, दारू एथिल अल्कोहल है। ये एथिल अल्कोहल का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है। तो एल्कोहलिक किण्वन दो चरणों के अंदर होगा। पहले चरण का नाम है डी कार्बोक्सिलीकरण, यानी वी कार्बोक्सिलीकरण। पाइरुविक अम्ल पहले बनेगा एसिड एल्डिहाइड और CO2 में, फिर उसके बाद एसिड एल्डिहाइड होगा, उसका होगा अपचयन और बनेगा एथिल अल्कोहल। ये आपको दोनों चरण याद रखने हैं। इस चरण का नाम है वी कार्बोक्सिलीकरण, इस पहले चरण का नाम है वी कार्बोक्सिलीकरण, और दूसरे चरण का नाम है अपचयन। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। एल्कोहलिक किण्वन इस तरह से हो गया है। हाँ, तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों की सहायता से दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं बनाते हैं, उसको किण्वन कहते हैं। जैसे अपन दूध से दही बनाते हैं, उसमें नेचुरल सी बात है, आपके पास में थोड़ा दही होता है, आप दूध में डालते हो, दही बन जाता है। आपको जैसे दारू पीनी होती है, मतलब मदिरा पीनी होती है, तो उसका निर्माण भी किण्वन से करते हैं। जैसे सिरका अपन डालते हैं अचार में, तो उसका निर्माण करना होता है कि किण्वन बनाते हैं। आप सुबह उठते ही सबसे पहले आपको चाहिए, मान लो कि कोई वस्तु, जैसे आप ब्रेड खा रहे हो, उसके ऊपर मक्खन लगाना है, तो आपको ब्यूटारिक अम्ल चाहिए। तो ब्यूटारिक अम्ल का निर्माण किससे किया जाता है, किण्वन की सहायता से। किण्वन का मतलब यही है कि सूक्ष्म जीवों की सहायता से दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना। यानी अपन बहुत सारे सूक्ष्म जीव देते हैं, जैसे आपको एसिटिक अम्ल बनाना है तो आप एसिटोबैक्टर एसिटिक जीवाणु काम में देते हो, जैसे आपको एल्कोहल बनाना है आप हीस्ट काम में देते हो,
जैसे आपको मान लो ब्यूटारिक अम्ल बनाना है तो आप क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकस काम लेते हो, आपको जैसे दही बनाना है आप लैक्टोबेसिलस काम में लेते हो। तो नेचुरल सी बात है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से आप दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं बना रहे हो। तो ये किण्वन है, किण्वन एक अनऑक्सी श्वसन होता है, यानी बिना ऑक्सीजन के होता है और किसी माध्यम के अंदर होता है। यानी आपने क्या किया, कोई माध्यम लिया और उस माध्यम के अंदर दूध लिया, दूध में डाल दिया आपने जावन, जावन में क्या है लैक्टोबेसिलस जीवाणु है। तो जैसा उत्पाद बनता है वैसा ही किण्वन है। तो ये किण्वन एक्चुअल में क्या है कि एक ऐसी क्रिया होती है जो किसी माध्यम में संपन्न होती है। किसमें होती है, माध्यम के अंदर संपन्न होती है। आपको माध्यम चाहिए, उस माध्यम के अंदर ये क्रिया होती है और ये अनऑक्सी श्वसन है। कैसा श्वसन है, अनऑक्सी श्वसन है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब अपन किण्वन के प्रकार पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा एल्कोहलिक किण्वन। एल्कोहलिक किण्वन बिल्कुल सिंपल सा था कि अपने पास में क्या था, अपने पास में ये पाइरूविक अम्ल था। इस पाइरूविक अम्ल का क्या हुआ था, वी कार्बोक्सीकरण हुआ था और उससे बना था एसिटाल्डिहाइड। इस एसिटाल्डिहाइड की विशेषता ये है कि इसका आगे अपचयन होगा और बनेगा एथिल अल्कोहल। क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल। इसमें आपको सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है, उस सूक्ष्म जीव का नाम होता है हिस्ट। पहले चरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, डी कार्बोक्सीकरण। दूसरे चरण के अंदर अपचयन होता है, NADH2 से NAD बनता है। इस तरह से ये क्रिया दो चरणों में हुई थी। इस किण्वन का नाम अपन ने रख दिया एल्कोहलिक किण्वन रख दिया। अब अपन कहते हैं कि भाई ये पाइरूविक अम्ल आया कहाँ से, ये पाइरूविक अम्ल आया यहाँ से है कि ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस चक्र से अपघटन हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस चक्र से अपघटन हुआ था ग्लूकोज का और पाइरूविक अम्ल बनता है। अपन ने कहा था कोशिका की कोशिका दर में एक क्रिया होती है, उस क्रिया का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है पाइरूविक अम्ल। ठीक है, इस पाइरूविक अम्ल का आगे क्या हो रहा है, किण्वन हो रहा है। और ये किण्वन कैसा श्वसन है, अनऑक्सी श्वसन है। अगर ऑक्सी श्वसन होता तो पाइरूविक अम्ल है उससे एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनता और फिर वो क्रैब्स चक्र में चला जाता, लेकिन यहाँ पर अनऑक्सी श्वसन हो रहा है। ये पहला किण्वन है। अब दूसरा किण्वन है लैक्टिक अम्ल किण्वन, लैक्टिक अम्ल किण्वन। बच्चों लैक्टिक अम्ल किण्वन थोड़ा क्या है कि आपको ध्यान से समझना होगा, इसमें दही बनाते हैं उस समय ये किण्वन काम आता है और हमारी मांसपेशियों में भी काम आता है। अब एक सवाल आता है कि कोई व्यक्ति जब जल्दी जल्दी काम करता है तो उसको थकान क्यों आती है, तो आप आंसर देते हो कि उसकी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमा होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति एक फास्ट काम कर रहा है, कोई व्यक्ति जिम जा रहा है तो उसके ये हाथ दर्द होने शुरू होते हैं। वो आके कहता है कि मेरे आज हाथ दर्द हो रहे हैं, तो उसको कहा जाता है आप धीरे धीरे काम करो। एक मजदूर होता है वो धीमे धीमे काम करता है, उसको पता है अपन को शाम को 6 बजानी है, अगर जल्दी जल्दी काम करेंगे तो यहाँ जमा हो जाएगा लैक्टिक अम्ल और दूसरे दिन मजदूरी पर नहीं जा पाएंगे। तो अपने को ध्यान रखना है कि मांसपेशियों के अंदर कौन सा अम्ल जमा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा, लैक्टिक अम्ल। और जैसे ही लैक्टिक अम्ल का जमा होगा तो क्या होगा कि उसमें थकान आनी शुरू हो जाएगी। अब लैक्टिक अम्ल किण्वन एक जीवाणु की सहायता से होता है, उस जीवाणु का नाम याद रखना है लैक्टोबेसिलस, ये दही के अंदर होता है। अब दूध में कौन सी शर्करा होती है, दूध में होती है लैक्टोज शर्करा, दूध में होती है लैक्टोज शर्करा, ये डाइसैकेराइड है। इसका क्या होता है, अपघटन होता है और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनता है, ग्लूकोज और क्या बनता है, ग्लैक्टोज। ये दोनों मोनोसैकेराइड है। ये भी सवाल आता है मिल्क शुगर का नाम लिखो, मिल्क शुगर कौन सी है, तो आपका उत्तर होता है लैक्टोज, लैक्टोज का नाम है मिल्क शुगर। ये छोटा सा सवाल आता है कि दूध में कौन सी शक्कर होती है, लैक्टोज। लैक्टोज की दो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, दो मोनोसैकेराइड है, उसके नाम लिखो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ये भी सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो ये अपने को छोटे छोटे सवाल ध्यान रखने हैं। दही में कौन सा जीवाणु होता है, लैक्टोबेसिलस। अब ये जो पाइरूविक अम्ल है, जब ये पाइरूविक अम्ल है, इस पाइरूविक अम्ल का सीधा अपचयन हो जाएगा, पाइरूविक अम्ल का सीधा अपचयन करेंगे, पाइरूविक अम्ल का सीधा अपचयन करते ही लैक्टिक अम्ल बन जाएगा।
पाइलिक अम्ल का सीधा अपचयन करते क्या बन जाएगा, NaDH2 है, इसका उपयोग होगा एनएडी बनेगा और इसका अपचयन होते लैक्टिक अम्ल बनेगा, तो ये केवल एक स्टेप नहीं हो जाता है, यानी जब जल्दी जल्दी काम करते हैं तो ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। जैसे कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी काम करता है, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है और ग्लूकोज का अनऑक्सी श्वसन होता है, उसकी मांसपेशियों में ग्लूकोज का कौन सा श्वसन होगा, अनऑक्सी श्वसन होगा, और जैसे इसका ग्लूकोज का अनऑक्सी श्वसन होगा तो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा, यानी ग्लूकोज के अनऑक्सी श्वसन से सीधा बनता है लैक्टिक अम्ल, पहले बनेगा पाइरिक अम्ल और पाइरिक अम्ल से लैक्टिक अम्ल। अब अपन ने दूध लिया, दूध के अंदर आपने जावर डाला, जावर के अंदर क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज बनेगा पाइरिक अम्ल में और पाइरिक अम्ल का होगा फिडवन और फिडवन होते ही बढ़ जाएगा लैक्टिक अम्ल। तो ये अपने को ध्यान रखना है, पहला ही फिडवन हो गया एल्कोहलिक फिडवन, पाइरिक अम्ल बनता है एसिटाल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड बन गया एथिल अल्कोहल में, ये दो चरण हुआ, लेकिन ये एक चरण में हो गया, NaDH2 ने सीधी क्रिया की, हाइड्रोजन पाइरिक अम्ल को दिया और पाइरिक अम्ल बदल गया लैक्टिक अम्ल के अंदर, तो इस तरह से ये लैक्टिक अम्ल किण्वन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये अल्कोहलिक किण्वन है, इस अल्कोहलिक किण्वन अपन ने दो तरह किण्वन पढ़ लिए हैं, सबसे पहला अपन किण्वन पढ़ा अल्कोहलिक किण्वन और दूसरा है जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल किण्वन। अपन एक समरी बनाते हैं, उस समरी से अपन याद कर लेंगे दोनों किण्वन को। अल्कोहलिक किण्वन में हिस्ट काम आता है, पहला सवाल आया कि अल्कोहलिक किण्वन में क्या काम आएगा, हिस्ट, फिर उसके बाद में लैक्टिक अम्ल में लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम आता है, लैक्टिक अम्ल किण्वन में लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम आता है। अपन एक समरी बना रहे हैं, अपने पास में है पाइरुविक अम्ल, ये अपने पास में है पाइरुविक अम्ल, पाइरुविक अम्ल सबसे पहले बनेगा एसिटाल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड में, और एसिटाल्डिहाइड है वो बदल जाएगा अल्कोहल में। तो इसमें क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, इस क्रिया को अपन ने कहा वी कार्बोक्सिल, इसको कहते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण, और फिर उसके बाद इसका होगा अपचयन, NaDH2 से NAD बनेगा। तो इस तरह से ये दो स्टेप के अंदर ये क्रिया हो गई, यानी पाइरुविक अम्ल बदल गया एसिटाल्डिहाइड में और एसिटाल्डिहाइड बदल गया अल्कोहल में, तो ये ट्रीटमेंट तो हुआ अल्कोहलिक ट्रीटमेंट, इसमें काम आया डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, इसमें काम आया डी हाइड्रोजनेज। अब पाइरुविक अम्ल का सीधा कर दो अपचयन, पाइरुविक अम्ल का सीधा कर दो अपचयन, NaDH2 NAD में बदल दो और बन जाएगा लैक्टिक अम्ल, ये हो गया लैक्टिक अम्ल किण्वन, ये हो गया लैक्टिक अम्ल किण्वन, ये होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु की सहायता से, ये होता है हिस्ट की सहायता से। अब तीसरा किण्वन है एसिटिक अम्ल किण्वन, एसिटिक अम्ल किण्वन, एसिटिक अम्ल को सामान्य भाषा में कहते हैं सिरका, ये सिरका एक ऐसा पदार्थ होता है जो अचार है, जेली है, मुरब्बा है, उनके अंदर डाला जाता है, उनको लंबे समय तक खराब होने से रोकते हैं। ये सवाल भी पूछा जाता है कि एसिटिक अम्ल को विनेगर भी कहते हैं, विनेगर मतलब ऐसा पदार्थ आपने अचार में डाल दिया, अचार काफी टाइम तक खराब नहीं हुआ, तो एसिटिक अम्ल एक उपयोगी पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनता है, इसमें हिस्ट काम आया, इसमें लैक्टोबैसिलस काम आया, इसमें भी एक सूक्ष्म जीव काम आता है जिसका नाम होता है एसिटोबैक्टर एसिडी, एसिटोबैक्टर एसिडी है ये सूक्ष्म जीव है वो काम आता है। अब पहला स्टेप समान ही है कि पाइरुविक अम्ल है उससे बनेगा एसिटाल्डिहाइड, इसमें पहला स्टेप सेम ही होगा, पाइरुविक अम्ल का वी कार्बोक्सिलीकरण होगा और एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, बढ़ गया एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड बन गया, इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, अब क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड है उसका होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होगा यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया होगी, ये एक ऐसा किण्वन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किण्वन अपन ने कहा अनऑक्सी श्वसन है, लेकिन ऐसा कोई किण्वन है क्या जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, एसिटिक अम्ल किण्वन होगा, यानी इसके अंदर एसिटाल्डिहाइड है, अब इसका ऑक्सीकरण होगा और एसिटिक अम्ल बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्रिया दो चरणों के अंदर पूरी होगी, पहले चरण का नाम है वी कार्बोक्सिलीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और एसिटाल्डिहाइड बनेगा, दूसरे चरण के अंदर एसिटाल्डिहाइड है उसका होगा ऑक्सीकरण और बनेगा एसिटिक अम्ल, यहाँ पे अपन ऐसे लिखते हैं प्लस H2O और यहाँ लिखते हैं -H2, यानी ये हाइड्रोजन जोड़ा है और यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल दिया है, सिर्फ जुड़ा क्या है O, जल लिखा हाइड्रोजन हटाया, हो गया अपने पास में ऑक्सीजन, तो अपन कहते हैं एसिटिक अम्ल किण्वन हो गया। तो इसमें कौन सा सूक्ष्म जीव काम आया, लैक्टोबैसिलस,
इसमें कौन सा सूक्ष्म जीव काम आया है ईस्ट, और इसमें कौन सा सूक्ष्म जीव काम आया है एसिटोबैक्टर एसिडी, एसिटोबैक्टर एसिडी। ये अपने को ये किण्वन है, इसका नाम है लैक्टिक अम्ल किण्वन, इस किण्वन का नाम है अल्कोहलिक किण्वन, इस किण्वन का नाम है एसिटिक अम्ल किण्वन। यानी जैसा उत्पाद बन रहा है वैसे ही किण्वन का नाम हो गया। पाइरिक अम्ल का वी कार्बोक्सीकरण हुआ, एसिटाइलेट बना, अपचेंज हुआ, अल्कोहल बना। पाइरिक अम्ल उसका वी कार्बोक्सीकरण हुआ, एसिटाइलेट बना, पाइरिक अम्ल का एसिटाइलेट कार्बोक्सीकरण हुआ और बन गया एसिटिक अम्ल। अब आपको कलाकारी आनी चाहिए कि क्या हो रहा है। सीधा अपचयन करो लैक्टिक अम्ल, सीधा अपचयन करो लैक्टिक अम्ल, पहले वी कार्बोक्सीकरण करो फिर अपचयन करो अल्कोहल, पहले वी कार्बोक्सीकरण करो फिर उसके बाद ऑक्सीकरण करो एसिटिक अम्ल। ये तीन तरह किण्वन है। अब अपन चौथा किण्वन देखेंगे जिसका नाम है ब्यूटेरिक अम्ल किण्वन। किण्वन में अपन देख रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों की सहायता से आप दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं बना रहे हो। जैसे आपने लैक्टिक अम्ल बनाया, अब लैक्टिक अम्ल क्या होता है कि अपन को बहुत ज्यादा चाहिए, अपन को पता ही है, अपन को सुबह सुबह अपन दही खाते हैं तो अपने को एकदम तरोताजा महसूस होते हैं। लैक्टिक अम्ल दही में होता है और लैक्टोज शर्करा दूध में होती है। आप रात को दही डाल देते हो और सुबह देखते हो तो दूध से दही बन जाता है। आप कहते हो वाह सूक्ष्म जीवों तुमने कमाल कर दिया, तुमने किण्वन कर दिया रात भर में, ठीक है। तो इसी तरह से अपन तीन तरह के किण्वन पढ़ लिए हैं, एक बार वापस रिवाइज करेंगे तीनों को। अपने पास में एक ही चीज है जिसका नाम है पाइरुविक अम्ल। ये ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद था। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको लैक्टिक अम्ल किण्वन पढ़ेंगे, इसका अपचयन करेंगे। NADH2 था अपने पास में, ये ग्लाइकोलाइसिस बना है, ये काम आएगा और NAD बन जाएगा और इससे बन जाएगा लैक्टिक अम्ल। इसमें जो सूक्ष्म जीव काम आएगा उसका नाम होगा लैक्टोबेसिलस। यहाँ हाइड्रोजन बांड निकलता है, वहाँ डी हाइड्रोजनेज काम आता है एंजाइम, पाइरुविक डी हाइड्रोजनेज एंजाइम काम आएगा। फिर अपन दूसरा किण्वन देखेंगे, इसमें पाइरुविक अम्ल पहले बदलेगा एसिटाइलडिहाइड में, इसमें डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, फिर इसका अपचयन होगा और एथिल अल्कोहल बन जाएगा, एथिल अल्कोहल का निर्माण होगा। इसमें हीस्ट नामक कवक काम आता है, हीस्ट में से जाइलेज एंजाइम को किसने पृथक किया, मुद्दे में क्या ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा, अपचयन होगा, NADH2 से NAD बनेगा। अब इसके बाद में तीसरा प्रकार का किण्वन है जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। इसमें वही वापस क्या होगा, एसिटाइलडिहाइड बनेगा और फिर उसके बाद एसिटिक अम्ल बनेगा। इसमें अपचयन हुआ, इसमें ऑक्सीकरण हो जाएगा, इसमें अपचयन की जगह क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा और डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम आएगा। यहाँ पाइरुविक डी कार्बोक्सिलेज और यहाँ पर ऑक्सीजनेज एंजाइम काम आ जाएगा। यहाँ पे सूक्ष्म जीव होगा एसिटोबैक्टर एसिडी, एसिटोबैक्टर एसिडी। अब चौथा होता है किण्वन जिसका नाम है ब्यूटेरिक अम्ल किण्वन। ब्यूटेरिक अम्ल किण्वन में क्या होगा, ये जो पाइरुविक अम्ल है ये पाइरुविक अम्ल सीधा एसिटो एसिटिक अम्ल में बदलेगा, एसिटो एसिटिक अम्ल में बदलेगा। फिर एसिटो एसिटिक अम्ल है वो ब्यूटेरिक अम्ल में बदल जाएगा। इसमें जो सूक्ष्म जीव काम आएगा उसका नाम आपको बताना है कि क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम काम आता है। जो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम ये सूक्ष्म जीव इसमें काम आता है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम इसमें सूक्ष्म जीव काम आता है। पाइरुविक अम्ल का डी कार्बोक्सिलेशन होगा और ये बनेगा एसिटो एसिटिक अम्ल। इसमें जल जुड़ेगा और इसके अंदर क्या होगा, जल निकल जाएगा। इस तरह से ये क्रिया दो स्टेप के अंदर होगी, पहले में डी कार्बोक्सिलेशन होगा और दूसरे के अंदर इसमें से क्या होगा, जल निकलेगा, यानी इसका निर्जलीकरण होगा एसिटो एसिटिक अम्ल का और बनेगा ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन के अंदर पाया जाता है और ये मक्खन का एक उपयोगी, मक्खन अपन जानते हैं दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ है। तो चारों किण्वन को आपको क्या करना है, समराइज करना है, चारों में अंतर ध्यान रखना है। जैसा उत्पाद बना वैसा किण्वन का नाम। इसमें वी कार्बोक्सीकरण हुआ, जल जुड़ गया, यानी जल जुड़ने के साथ ही वी कार्बोक्सीकरण होने के कारण एसिटो एसिटिक अम्ल बन गया, फिर एसिटो एसिटिक अम्ल में से जल निकल गया और बन गया ब्यूटेरिक अम्ल, यानी निर्जलीकरण क्रिया हुई है। इसके अंदर वी कार्बोक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण क्रिया हुई है, इसमें वी कार्बोक्सीकरण हुआ है, अपचयन हुआ है। अब ये पाइरुविक अम्ल एक ऐसा है
जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद बनता है, और ये क्रिया होती है किसी बाह्य माध्यम में होती है किण्वन क्रिया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो आप देखना, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन किण्वन और श्वसन में अंतर पढ़ेंगे। मैं आपको किण्वन और श्वसन में चार अंतर बताऊंगा अगले वीडियो में, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अगले वीडियो के लाइक और कमेंट कर देना।